एंड जैसे कि पिछली बार हम थोड़े कम लोग थे तो इस बार थोड़े लोग भी बढ़ गए हैं हमारे, तो अभी तक तो हम 5 जने हैं और आगे देखते हैं कौन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, जिसमें से एक शिवालिक नगर के महेश सर हैं, महेश प्रताप सर, तो वो भी आज हमारे साथ राइड पे जा रहे हैं। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे राइड पे जाने में। तो फ्रेंड्स, अभी हमें भगत सिंह चौक पे पहुंचना है, बाकी के जो हमारे मेंबर हैं वो हमें वहाँ मिलेंगे जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो तूफान आने से थोड़ा लेट हो गया था, फिर भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम भगत सिंह चौक पे पहुंच गए और बाकी हमारे सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ से कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं तो जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पीड है और चिल्ला जाने का सबको बहुत ही जल्दी है, तो स्पीड भी बढ़ी है और मेंबर भी बढ़े हैं अपने। तो अपना ग्रुप देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों ने अलग रूट ले लिया और मैंने सीधा चंडीगढ़ टाटा रूट ले लिया, चंडीगढ़ पुल पार करके, और कुछ ने भराईकम की तरफ से, भराईकम कह दिया सॉरी, अपना भीमगोड़ा की तरफ से रूट ले लिया। तो आगे पॉइंट पे मिलते हैं, क्योंकि कुछ आगे पीछे होने के कारण मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो आगे जाके मिलते हैं उनसे। अभी मैं तो चला ही पड़ा हूँ। तो फाइनली हम इकट्ठे हो चुके हैं दोबारा से और ग्रुप एक बार फिर से मिल चुका है, तो हम फिर चिल्ला की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम चिल्ला के रूट पे हैं, सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चिल्ला पावर हाउस। आप देख सकते हैं ये चिल्ला पावर हाउस है और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सब लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। और अभी अचानक हमें बीच में हाथियों का झुंड भी मिला, जो कि हाथियों का झुंड हमने देखा, वीडियो तो हाथियों का झुंड हमने देखा अभी रास्ते में। हम छोटे थे, इंदिरा गांधी मरी, हम देखा देश खत्म हो गया, फिर राजीव गांधी मरे, तो आज फिर थोड़ा ऋषिकेश से आगे जाने का मूड बन गया। तो फ्रेंड्स, आज फिर चिल्ला से आगे जाने का मूड बन गया, तो चिल्ला से ऋषिकेश की रूट ले लिया हमने। अगर आपको दिख रहा होगा पीछे वो बैराज दिखाई दे रहा है और इस साथ में गंगा कैनाल जा रही है और हवा बड़ी ठंडी है, मस्त हवा चल रही है इस टाइम, ठंडी ठंडी हवा, और सारे साइकिल सवार एक साथ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सब हमारे साथ आते हुए ऋषिकेश की ओर जाते हुए चिल्ला से, आप देख सकते हो सारे साइकिल सवार ऋषिकेश से चिल्ला की ओर जाते हुए। फ्रेंड्स, फाइनली हम एक रिसॉर्ट्स में आए हैं, क्योंकि जो माननीय महेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ, उनके जानने वाला है ऋषिकेश में, तो शायद ही हमें यहाँ पे चाय पिलाएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम एक रिसॉर्ट्स में आए हैं, वहाँ पे भी कॉल की जा रही है। ये देख सकते हैं वैन वैली करके रिसॉर्ट।
शॉर्ट्स के अंदर का व्यू है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ भी आती देख सकते हैं, मगर ये आती जो हमने पीछे भी आती देखा वैसा नहीं है, ये आर्टिफिशियल आती है और हमने अभी पीछे असली आती देखा था। चिल्ला से थोड़ा आगे चल के लेफ्ट साइड में नीचे रिसॉर्ट्स है, रिसॉर्ट्स के अंदर जाते हुए काफ़ी अच्छा है ये, स्विमिंग पूल स्पा सब है यहाँ पे। तो हम तो लिटरली एक छोटी सी राइड लेने आए थे साइकिल की, बट हमारे साथ जो लोग आए हैं उनके जानने वालों में से एक रिसॉर्ट है, तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे भी मेरी सब लोग बैठ चुके हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। फाइनली जैसे हम घर तक पहुँचेंगे तो मेरा लगभग 55 किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं अभी हमें फिर के द्वारा चिल्ला की तरफ वापस जाने में कॉफ़ी पिलाई और मेरे सब फ्रेंड्स देख सकते हैं थैंक्स कि वो हमारे साथ चले, जहाँ आप सफारी के लिए भी जा सकते हैं। फ्रेंडली थक हार के वापस आते हुए तो सब धीरे धीरे आते हुए वेलकम टू चीला में खिंचवाने फोटो वीडियो। तो फाइनली हमारे जो लास्ट कंटेस्टेंट है वो भी पहुंच रहे हैं। साथ में हमने हिमगोड़ा बैराज की तरफ से ले ली है साइकिल, क्योंकि उधर चढ़ाई होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। फाइनली हम एक जाम में फंस चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना जाम है यहाँ पर।